Good morning children, how are you all? So today you will take out kindergarten mathematics and page number 80. So beta, after or between ma'am ne aapko karwa diye the 1 to 50 ke beech mein, ab hum karenge before. So pehle aapko ye samajhna hai before kya hota hai, humne pehle bhi practice kari hai. Before hota hai jo bhi aapko number diya hai usse pehle wala number, usse pehle wala number. So यहाँ पर अभी हम बिफोर करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम काउंटिंग जब लिखी होती है तो उसमें से कैसे चूज करते हैं. व्हाट कम्स बिफोर 28, तो 28 कहाँ है बेटा, ये है. तो व्हाट कम्स बिफोर 28, 27, ये लिखा है 27. नाउ दिस इज नंबर 6. व्हाट कम्स बिफोर 6, 6 से पहले, 6 से आगे, तो दिस इज नंबर 5. दिस इज बिफोर 6. 39 is here. Before 39, 38. 21 से पहले हमने क्या पढ़ा था, 20. So 20. 23. Here is 23. Before 23, 22. इससे पहले वाला नंबर देख रहे हैं ना बेटे हर जगह हम. 29 is here. Before 29, 28. Before 15 is here. Before 15, 14. 47. Before 47, 46. तो आपने याद भी रखना है, माइंड में भी रखना है कि जब हम 47 लिखते हैं तो 47 से पहले ऊपर क्या लिखा था, 47 से आगे क्या लिखा था, तो 46. 4 इज हियर. बिफोर 4, 3 इज हियर. बिफोर 13 इज हियर. बिफोर 13, 12. सो वेयर इज 12, हियर इज 12. वी विल सर्कल इट. बिफोर 28, 28 is here. Before 28 is 27. So we will circle this number 27. Before 36, 36 is here. Before 36, 35. So we will circle number 35. Now come to this page number 82. What comes before 4? 4 se pehle kya likha tha humne? 3. 13, 12. 27, फिर 26, 38, 37, 16, 15, 22, 21, 45, 44. Now, in this page, you will do this page in homework and you will join the dots from 1 to 50. 1 is here. 1 to 50 आप dots को join करेंगे and then you will color this picture. Now come to number names. 1, O-N-E 1, 2, T-W-O 2, 3, T-H-R-E-E 3, F-O-U-R 4, F-I-V-E 5. बेटे यहाँ पे हम ना कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना. 6 S I X, 6, 7 S E V E N, 7 E I G H T, 8 N I N E, 9 T E एन, 10. तो बेटा आप 1 से लेकर 3 तक पहले लर्न कर लो इसको अच्छे से, फिर 1 से 5 तक, फिर 1 से 7, फिर ऐसे ऐसे करके आप, आपके पास ये आज ये जो 19th है ये लास्ट डेट में आपको वीडियो मिलेगी. उसके बाद आपने हर रोज़ मैथ्स करना है और धीरे धीरे करके ये सारे स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाएंगे आपको, फिर मैम आपसे पूछेंगी, ठीक है. 1 to 10 वर्ड्स में हो गए. सो नाउ कम टू दिस पेज, दिस पेज वी हैव डन. नाउ आज आपको मैम नया कॉन्सेप्ट बताएंगी और उसको बोलते हैं वेट. वेट किसको बोलते हैं बेटे, जिसको हम मेजर कर सकते हैं. जैसे दिस पेंसिल इज़ लाइट एंड दिस बॉटल इज़ हैवी,
मतलब ये पेंसिल हल्की है, लाइट इज़ हल्का, एंड बॉटल वाटर बॉटल इज़ कैसी है, ये भारी है. जब आप उठाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारी है. सो द बुक इज़, जैसे ये बोल रहा है, टेक अ स्कूल बुक इन द हैंड. हमने स्कूल बुक अपने हाथ में ली एंड पेंसिल अभी आपको दिखाई, तो आपने क्या फील करा? जो पेंसिल है, पेंसिल इज़ लाइटर एंड दिस बुक इज़ हेवियर. सो फील द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड कलर द वंस विच आर हेवियर. यहाँ पे आपको फील करना है वेट का, अपने माइंड में ही सोच लेना है कि ये जो चीज़ होगी, ये ऑब्जेक्ट आप, ये हैवी होगा या लाइट होगा, दो को कंपेयर करेंगे. अब जैसे बेटा ये ले रहे हैं हम, दिस इज़ अ पेन बॉक्स एंड दिस इज़ अ वाटर बॉटल. सो विच इज़ हैवियर? सो दिस वाटर बॉटल इज हैवियर एंड दिस पेंसिल बॉक्स इज लाइटर. ऐसे ही अगेन सम एग्जाम्पल, दिस पेन इज लाइटर एंड दिस बुक इज हैवियर, है ना. तो आपको क्या करना है इसमें, अपना ये दोनों चीज़ें जो आपको ये ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, इनमें से आपने फील करना है वेट को, और फिर उसमें जो हैवी होंगे उनको आपने क्या करना है, कलर करना है. सो बेटा दिस इज़ द यूज्ड वन बुक, ये वाटर बॉटल है, दिस इज़ वाटर बॉटल एंड दिस इज़ पेन. सो वाटर बॉटल हैवी होगी या पेन हैवी होगा? वाटर बॉटल ही हैवी होगी ना, जिसमें पानी भी होगा. तो हम किसको कलर करेंगे? वाटर बॉटल को. रबर एंड बुक, विच इज़ हैवियर? रबर हैवी होगा या बुक हैवी होगी? तो बुक हैवी होगी तो इसको कलर कर देंगे. ऐसे ही फ्लावर एंड चेयर, फ्लावर जो है वो लाइट है और ये हैवी है, तो इसलिए हैवी है, इसलिए इसको चेयर को कलर करेंगे. कैप्सिकम एंड लीफ, कैप्सिकम हैवी होगी या लीफ हैवी होगी? तो इसमें से आप एकदम से देख सकते हैं कि जो कैप्सिकम, जो शिमला मिर्च होती है, वो भारी होगी, हैवी होगी, और ये जो लीफ है ये पत्ता हल्का होगा, तो इसलिए हम कैप्सिकम को कलर करेंगे. अब इसमें क्या करना है, जो चीज़ें हमने फील करना है वेट को, जो लाइटर हैं उनको हमको क्या करना है, कलर करना है. अब ये है चेयर एंड शू. चेयर भारी होगी या चेयर हल्की होगी या शू हल्का होगा? शू हल्का होगा ना, चेयर तो बड़ी होती है, इसलिए हमने इसको कलर करा. ऐसे ही पंख, इसको बोलते हैं फेदर, और बनाना, तो पंख हल्का होता है ना, इसलिए इसको यहाँ पे लाइटर को कलर करना है. पहले जैसे हैवी को कलर किया था इस पेज में, इसमें लाइटर को कलर करना है. ऐसे दिस इज़ अ टेबल एंड दिस इज़ अ बैग. टेबल हैवी होगा या बैग हैवी होगा? तो बैग लाइट होगा या टेबल लाइट होगा? तो बैग लाइट होगा. ऐसे ही एप्पल और फ्लावर, तो लाइट क्या होगा? फ्लावर लाइट होगा, इसलिए इसको कलर कर दिया. ऐसे ही लंच बॉक्स और मैथ्स बुक, तो लंच बॉक्स लाइट होगा या मैथ्स बुक लाइट होगी आपकी? तो लंच बॉक्स जो है लाइट होगा, और जो मैथ्स बुक होती है वो तो खूब मोटी होती है, खूब हैवी होती है, तो इसलिए इसको कलर नहीं करेंगे, लाइट को कलर करेंगे. ऐसे ही टेडी बियर टॉय और बैट. टेडी बियर तो बहुत लाइट होता है ना, तो इसलिए टेडी बियर को करेंगे. अब इसमें आपको ध्यान से समझना बेटा, ये यूज्ड बुक है इसलिए इसमें कलर किया हुआ है. आपको क्या करना है, राइट एच फॉर हैवी एंड एल फॉर लाइट, ऑल्सो कलर द पिक्चर. ये पिक्चर तो आपको कलर करनी है, लेकिन आपने ये देखना है कि ये देखो, जहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं हर एक के आगे, जहाँ पर एच हैवी होगा वो होगा एच, और जहाँ पर लाइट होगा वो होगा एल. तो ये आप देख रहे हो, ये सीसॉ में झूल रहे हैं, तो ये हैवी है इसलिए नीचे बैठ गया ना, इसलिए यहाँ पे एच लिखा है, और ये जो बनी है ये ऊपर उठ गया इसलिए लाइट है, तो एल लिख दिया यहाँ पे. ऐसे इस सीसॉ में देखो, नीचे कौन बैठा हुआ है? राइनो बैठा हुआ है, तो इसलिए एच यहाँ पे लिख दिया. ऐसे ही लाइट, तो ऐसे ही आपने इन दोनों में भी, ये टॉर्टोइस जो है ये हैवी है, और ये जो है इन दोनों में से कंपेयर करा तो ये लाइट होगा. ऐसे ही बैलून, एक बैलून के साथ पत्ता लगा हुआ है वो लाइट होगा, और जिसके साथ लॉग लगी हुई है वो हैवी होगा, तो इसलिए एच लिख दिया है ना. सो दिस बुक इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड. यू विल डू दिस बुक एंड रिवाइज इट डेली एंड यू विल लर्न ऑल द स्पेलिंग्स फ्रॉम 1 to 10 इन वर्ड्स. सो थैंक यू सो मच बेटा.